तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये है गुवाहाटी का फेमस कैरी मिनाटिन मैगी। यू नो गुवाहाटी के कुमारपाड़ा में एक बहुत ही फेमस गली है जो वेजिटेरियन वालों के लिए हेवन है ये जगह। तो मैं अभी हूँ गुवाहाटी के फेमस खाओ गली में यहाँ का फूड एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आ गई हूँ ये अंकल का स्टॉल में जहाँ दबेली वड़ा पाव मिलता है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई है, तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो ये रहा मेरा दबेली वड़ा पाव, इन्होंने ग्रीन चटनी और एक ग्रीन चिल्ली के साथ सर्व किया है, और आप देख सकते हो कि ऊपर में सेव भुजिया भी दिया हुआ है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। तो मेरा सेकंड स्टॉप है एक मोमो के स्टॉल में जो ससुराल मोमो के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको वैरायटी ऑफ मोमो मिल जाएगा। तो मैंने ऑर्डर दिया है एक चीज़ मोमो जो कि 50 रुपीज़ का प्राइस है, तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो ये जो मोमो है ना, ये ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे इतने क्यूट से हैं, और क्या बोलते हैं, चटनी के साथ सर्व किया है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, टेस्टी लगा मुझे यहाँ का मोमो। तो ये जो भैया बना रहे हैं ना, ये है कैरी मिनाटी मैगी। कैन यू इमेजिन कि कैरी मिनाटी के नाम से भी एक मैगी बन सकता है। सो हाँ, ये खाओ गली में ना इनका फेमस स्टॉल है जो खुद ही आता है इनका, ये कैरी मिनाटी मैगी ट्राई करता ही करता है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। कौन सा मैगी बोला था? दिस मैगी इज सो गुड इन टेस्ट एंड लोडेड विथ चीज एंड क्रीम, एंड इट कॉस्टेड ओनली 60 रुपीज़। आई थिंक इट्स क्वाइट चीप, यू कैन ट्राई इट इफ यू आर हियर। खाने में तो ये बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा खा के। आप लोग भी आने से ये ट्राई करना ही करना। तो मैं अभी आ गई हूँ बॉम्बेज द सैंडविच हाउस में, यहाँ पे पिज्ज़ा सैंडविच बहुत फ्रेंच फ्राइज ये सब मिलते हैं। तो चलिए लेट्स गो देखते What is that?